आज बाजार किस भाव पे खुलती हुई नजर आ रही है और निर्यात की क्या सब खबर है और श्रीलंका में अचानक भाव क्यों बढ़ गए, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं तनु। आज है 19 अक्टूबर और आप देख रहे हैं अमसुरबा एग्रो एक्सपर्ट का डिजिटल पेज। सबसे पहले बात करते हैं प्याज निर्यात के खबरों के बारे में। श्रीलंका में कल हल्की तेजी पर बाजार बंद हुई थी। भाव की बात करें तो कल के थोक बाजार में हमें 60 रुपए से लेकर 70 भारतीय रुपए तक के भाव देखने को मिले थे। दुबई में प्याज के भाव की बात करें तो 35 से 40 रुपए तक के भाव देखने को मिली है। श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों से भाव में काफी गिरावट देखी जा रही थी, जिस कारण व्यापारियों द्वारा प्याज का एक्सपोर्ट कम किया गया और वहां के मंडियों में प्याज की कमी के कारण भाव फिर से बहुत बढ़ गए हैं। बांग्लादेश में भाव पिछले दो हफ्ते में लगभग दोगुना हो चुका है, जिस कारण वहां की सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी में 5% तक की कटौती की है और ये कटौती 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी। इससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बांग्लादेश से अब डिमांड अच्छी देखने को मिल सकती है। अब आइए जानते हैं लासलगांव प्याज मंडी के ताजा भाव और आव के। एकदम सुपर क्वालिटी की बात करें तो सुबह की शुरुआती नीलामी में 3600 तक नीलाम किया गया, वहीं सुपर क्वालिटी की बात करें तो 3100 से 3300 तक देखने को मिले। वहीं पे मीडियम क्वालिटी की बात करें तो 2900 से 3100 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिली। गोल्टा प्याज की बात करें तो 2600 से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। अगर हम गोल्टी प्याज की बात करें तो 2300 से 2600 तक भाव देखने को मिले। चार्टन माल 900 से 1700 तक नीलाम किया गया। आवको की बात करें तो हाल फिलहाल सुबह 10 बजे तक 5000 क्विंटल देखने को मिले। आवको में हमें आज हल्की कमी देखने को मिल रही है। तेजी मंदी की बात करें तो बाजार आज लगभग सामान्य ही देखने को मिल रही है। जानकारी की माने तो बाजार में आई हल्की नमी केवल कुछ दिनों तक ही देखने को मिलेगी और बाजार फिर से हल्की तेजी की तरफ जा सकता है। नरमी के कुछ कारणों की बात करें तो जब भी किसी वस्तु में तेजी आती है तो उपभोक्ता कम होने लगते हैं, जिस वजह से डिमांड में हल्की कमी आ जाती है। अगले कारण की बात करें तो सभी व्यापारियों की उम्मीद थी कि नवरात्र खत्म होने के बाद अच्छा मुनाफा मिलेगा, जिस कारण देश के सभी मंडी में प्याज मांग से अधिक पहुंच गई और बाजार गिरावट पे बंद हुआ। कल भी जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको कि व्यापारियों को नुकसान सहना पड़ा, इसी कारण लिवारी में कमी देखी जा रही है। आगे भविष्य में तेजी होने की कुछ संभावनाएं पे बात करें तो किसान द्वारा ज्यादातर माल बेचने की वजह से हम अगले कुछ दिनों में आवकों में कमी देखने को मिल सकती है। अगला कारण है आवकों में कमी होने की वजह से देश के सभी मंडियों में भाव तेज हो जाएगा, जिस कारण लिवाली जोरदार देखने को मिल सकती है। आज त्योहार के कारण बहुत सारी मंडी बंद है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी मंडियों में आज अवकाश है। ऐसी तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ।